विराजमान हो जाइए। हेलो अर्चना जी। हेलो। यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। थैंक यू। डोंट साउंड सो सरप्राइज। क्या कपू? ओए कपू, ये जा यार, दुकान तो खुल लेते। तू खुल लेते मतलब? हाँ, मैंने मिठाइयां लगाई नहीं, मक्खियां आ गई पहले ही। क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? की गल है तेनू? बोल ले पहले, सब कुछ तू ही बोल ले। क्या है बताओ? ये अच्छा नहीं हो रहा क्या? मैं तो पहले कह रहा था नहीं अच्छा हो रहा तेरे से, तू क्यों आता बार बार? देख मेरी बात सुन, ये जो सपना है ना। हाँ, क्या हुआ उसको? वो मेरे को बहुत परेशान कर रही है। क्या परेशान किया? परेशान उसने कल मेरे सारे फ्रूट खा लिए। फ्रूट तेरे पास आए कहाँ से? फ्रूट पे ये उस दिन डॉक्टर के पास गया, बीमार था। डॉक्टर कहते हैं सेब लिख दिया उसने, कहते रोज सेब खाया करो। कहता कोई ऐसा डॉक्टर बताओ जो बेर लिख दे, सेब नहीं खाए जाते। कहते सेब खाने के पैसे होते तो मैं बीमार होता, ये ऐसी तो हरकत करता है। अर्चना जी, ये डॉक्टर के पास गया। हाँ। तो इनको देख के बोले कि आप जैक फ्रूट खाया करो। जैक फ्रूट? कहता नहीं नहीं, मैं तो ठाकुर का खा सकता हूँ, जैक तो मेरा दोस्त ही नहीं है। देखा, सारी स्क्रिप्ट रिहर्सल करते, बाद में ये इंप्रोवाइज करके ना अंदर से सोच के आता है। तेरे को किसने दिलवाई है लाइन? देख, फालतू का इंप्रोवाइज करता है, पहले आर्टिस्ट बहुत ज्यादा है। कहाँ से आए तेरे पास? Tell me. बहुत है, बहुत अपने पास। जाके मेरा फ्रिज चेक करो। फ्रिज चेक? एक तो जो तूने मटके में प्लग लगवाया ना, उसको फ्रिज बोलना बंद कर। इसके घर पे आके कोई ठंडा पानी मांग ले, कहते जनवरी में आना, अभी तो बड़ा गर्म है। बेइज्जती करवाता है हर जगह। तो यार, जब तुझे पता है कि यहाँ से गुजारा नहीं चल रहा, तो कोई ऐसा काम लगवा मेरे को कि मेरे पास भी फ्रिज आ जाए। मैं तो तेरे को काम लगवाता हूँ, मानता नहीं तो एक काम, मैं फाइनली वाइल्ड लाइफ में तेरी जॉब लगवाता हूँ। हाँ। जंगल में जो सांप ऐसे ऐसे करके नहीं जाते, हाँ, उनकी स्पाइन कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाता है। तो तूने तेल लेके उनकी मसाज करके ना सांप सीधे करने। मैं मजाक नहीं कर रहा। सांप? हाँ, पर सांप 150 रुपए मिलेगा और सांप सीधे करने, डायपर पहन के सांप इधर उधर ना घुस जाए उस हिसाब से। सांप? मैं नौकरी लगवाता हूँ फिर करता नहीं ये। सांप सीधे करने हैं? हाँ। तो जो अगर मेरे साथ टेढ़े हो गए तो? वो तेरी टेंशन, वो तेरा बोनस। बोनस क्या होता है? मेरा शकल देख, क्या लग रहा है मैं बैंकॉक से मसाज का कोर्स करके आया हूँ? कोई अच्छा काम बता ढंग का मेरे को। तो जुहू पे तेरी नौकरी लगवाऊं? हाँ। जुहू पे जाना, तूने समंदर के अंदर चले जाना। समंदर का पानी होता नमक वाला, तो मछलियों का बीपी बढ़ रहा है। तुमने बीपी चेक करना है उनका, जिनका ठीक है उनको इस तरफ फेंक देना पानी में, और बाकियों का डाइट चार्ट बना के आना। तूने कर लेगा इतना काम के? नहीं, अब मैं नौकरी लगवाता हूँ, करता नहीं, मैं करूँ क्या? नहीं करनी यार, कैसी नौकरी लगवाता है? हाँ। अर्चना जी, कल मेरे को पता क्या था? भेड़े होती है ना, उनके बाल होते घुंघराले। हाँ। तो तूने ना अर्चना जी की वैन में ना उनका स्ट्रेटनर चोरी करना है और जाके ना भेड़ों के बाल सीधे करने हैं। क्यों करने बाल सीधे यार? मेरे को बात बता, भेड़ों को क्या तेरे नाम में सलमान खान का रोल मिला? तो ढंग का काम बताया कर यार, ये काम थोड़ी होते हैं। फिल्म सिटी के बाहर एक मटन वाला है। हाँ। वो मटन कबाब बनाता है, तो सारे बिकते नहीं, थोड़े बच जाते हैं। हाँ, बच जाते। तो जो बच गए ना, हाँ, उनको वापस गूंद के बकरा बनाना है। अब मैं काम देता हूँ फिर, ये करता नहीं है। फिर कहेगा कल जो अंडे की भुर्जी बनाई है उसको इकट्ठा करके वापस अंडा बना। ये क्या काम है? थोड़ी बनता अंडा, कैसी पागल वाली बातें कर रहा है? दिमाग खराब है तेरा यार? तेरे को कोई काम आता है कि सिर्फ हाथी मुर्गे चींटियां यही काम है तुम्हारे पास? शट अप। तेरे को मैं इंसानों वाला काम लगवाऊं? हाँ लगवाओ। पहले खड़ा इधर, किसने बैठने दिया तेरे को? कम से कम 2 फिल्में आई होनी चाहिए इधर बैठने। मेरी 5 आई हैं। कितनी आई हैं? 5। वो थिएटर पे आनी चाहिए, बना के घर पे नहीं रखनी। मेरी 5 आई हैं। देख, तूने कहा 2 पे बैठ सकते हो, तो 5 में तो आदमी लेट सकता है। मेरी बात सुन, तेरे को मैं काम पे लगवाता हूँ। ये पीछे नासिक के पास गाँव है बुड्ढापुर, वहाँ पे सारे 80+ वाले लोग रहते हैं। वो जब सो जाए उनका डेंचर निकाल के लाना, उसको ब्रश करके उनके उठने से पहले मुंह में डाल देना। बुरा काम है? इंसानों वाला काम है। आज कर ले बातें, तेरे नाम का आ गया शो। हाँ। वरना मैं आपको बताऊं, जब हम मुंबई में पहली बार आए थे ना अर्चना जी। हाँ। ये बंदा ट्रेन में आया था, मैं जहाज से लैंड किया था यहाँ। कर ले बातें, ऐसी बातें करता है तभी तेरे नाम का शो है। तेरे नाम की चिट्ठी भी नहीं आती कभी। फ्लाइट में बैठ के, फ्लाइट में बैठ के हरते, पता कैसी करता है? एयर होस्टेस आई, इसे कहता टिंग टॉंग, कहते जूस मिलेगा, कहती तुम भी जूस मांगोगे तो संतरे कौन छीलेगा? बेइज्जती करवाई इसने यार। तू तो अब मार पीटने वाली बातें कर रहे थे। मैं यार मार पीटना बाद में कर रहे ना, पहले वो मेरा जो सुपर टॉकीज है ना। हाँ। इसमें से जो वो सपना है उसका कुछ कर, बहुत पंगे ले रही है मेरे साथ। क्यों, क्या बोल के रही तुझे?
भाग इधर से। क्या? अबे ओ चूसल पाड़ा के चुगलखोर। अबे ओ नाला सुपारा की नल्ली। ए उधर जाने का नहीं, किधर? औकात के बाहर। तू इधर कप्पू को मेरी चुगली करने के लिए आया है ना कप्पू? गंदी गंदी गालियां दे रहा था, गंदी गंदी गाली। तू मेरे थिएटर में अपना घर बना के बैठी हुई है? नहीं, 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 क्या? मेरे थिएटर में? हाँ। ये तेरा थिएटर है? हाँ। अबे इधर खुदाई करेगा ना तो अंदर से सपना ब्यूटी पार्लर निकलेगा। थोड़ी सी और खुदाई करेगी ना हाँ। तो अंदर से हॉस्पिटल भी निकलेगा, समझी? अर्चना जी आप क्या इतना हंस रही हैं? अगर इधर की बजाय उधर खुदाई हो गई ना तो फिर अंदर से कौन निकलेगा? देख सपना, इधर आके बड़े लोगों से पंगे नहीं लेने। हाँ। रहना तो आराम से रह। हाँ। ठीक है ना कपू? बहुत परेशान करती है, रात को खराटे लेती है ये। हाँ तो अपना लेती है, किसी के बाप का नहीं लेती हूँ मैं। हाँ। तो सब अपना ही लेते हैं। नहीं नहीं तू जैसा है, मेरे को तो लगता है ये खराटे भी अपने दोस्त से ही लेता रहेगा। तुझे कैसे पता? शर्म कर, तेरे बारे में बोल रही, तू खराटे लेता है। ओए तू कल बाथरूम में जेट स्प्रे से मुंह क्यों धो रहा था बे? बकवास करता है। सही बोला। तेरे को पता है कप्पू, इधर जो ये अंदर में ऐसे नल में पानी पीता है ना। हाँ। वो मेरा बाथरूम था। इसकी हरकतें बड़ी गंदी हैं। उस दिन भी तूने कमोड़ में आम ठंडे करने के लिए लगा रखे थे। यार मैंने ठंडे करने लगाए, तूने खाए क्यों? उठा इसको। अरे मेरा महंगा फ्रूट भी नहीं मारने को दिल करता तेरे ऊपर। रख दो बाबा। अरे तेरे ये है। ओहो व्हाट इज हैपनिंग? हे भगवान। ए सपना देख। सपना ना देखे, तू कोई सपना देख और बड़ा बन। तो क्या बोल रहा है सपना देख? यार मैं देख बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ, कैसे सपना देख सकता हूँ? रात को मैं सोता हूँ तो ये आके ना मेरे चेहरे के ऊपर एक्सपायरी डेट वाली क्रीम लगा के चली जाती है। अरे बाबा अर्चना जी, वो तो मैं चेक कर रही थी कि एक्सपायरी डेट वाली जो क्रीम है वो एक्सपायरी डेट वाले मुंह पे क्या रिएक्शन करती है, देख रही थी। ये एक्सपायरी डेट वाला है? ये ताजा मैन्युफैक्चरिंग देख लो, 8 महीने घर पे बैठा हुआ था ये मुंह। ये क्या रहा आपको बैठ के तो बाथरूम में गाने गाती रहती है? हाँ तो दरवाजा नहीं है उधर। मैं अपनी सेफ्टी के लिए गाना भी ना गाऊं क्या? और अपने हिस्से के टाइम पे मैं बाथरूम जाती हूँ, समझा? अच्छा, एक तो इसने हिस्से बड़े कर रखे हैं, टीवी का भी ना 2 हिस्से कर दिए। मैंने पूरा मैच देखा, सिर्फ बॉलिंग देखी, बैटिंग मैं देख नहीं पाया। तो बैटिंग देखकर तूने कौन सा विराट कोहली बन जाना था? बढ़ाया बैटिंग नहीं। तो तूने विराट कोहली देख के कौन सी अनुष्का बन गई? देखो सपना, राजू तुम दोनों को इतनी प्रॉब्लम है ना तो ठीक है, मैं फैसला करता हूँ, मैं तुम दोनों की किसी और चैनल पे बात करता हूँ। नहीं क्या बात कर रहा है? जैसे तू मेरा भाई है, ये भी मेरा कुछ ना कुछ है। कुछ मिलकर मत कर, मैं इसका ख्याल रखूंगी। तू टेंशन लेके जा, तू मैं लेके जा रही हूँ, कब तू का इंटरव्यू करने दो, तू टेंशन मत। अर्चना जी एक फिल्म आ रही है जोगीरा सारा रारा। हाँ। और आज उसकी स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मैं उन्हें बुलाऊंगा जिन्होंने 70s में डेब्यू किया था और चित चोर घरोंदा अनपढ़। हाँ। और सावन को आने दो जैसी खूबसूरत फिल्में की है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम जरीना वहाब जी। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जी जी मैम। कितने लोग आते हैं, आप कहते हैं कि हमारे शो पर आकर आपको कैसा लगा? जी अब मैं पूछना चाहती हूँ, मैं आपके शो पर आई हूँ, आपको कैसा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम तो ये सोच रहे हैं कि देखो 70s से ये दर्शकों को एंटरटेन करती आ रही, आज हमारे शो पे पहली बार आई है। आपको बताया चितचोर फिल्म में देखकर अमोल पालेकर साहब ने पहली बार तेजी तेजी से बोला था आई लव यू गीता। नहीं तो वो तो इतना आराम से बोलते ना कि आई और लव यू के बीच में गैप आ जाए, लड़की बस लेके निकल जाती तब तक। अरुण गोविल साहब जिनको आप सब जानते हैं, उनको हमेशा हमने आशीर्वाद देते हुए देखा है, लेकिन वो भी इनके लिए गाना गा रहे थे कि सावन को आना दे दे, तुम्हें गीतों में ढालूंगा मैं। मैम वैसे आपने इतनी सारी हिंदी फिल्में की हैं, आपकी खुद की फेवरेट हिंदी फिल्म कौन सी है?
चितचोर, चितचोर आपकी फेवरेट है, चितचोर, फिर घरुंदा एंड आई लाइक सितारा, सितारा फिल्म मैंने मिठुन के साथ किया था, दैट वाज वेरी नाइस। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा मैम आज आपको फ्रेश में देख के। अच्छा ज़रीना मैम ओटीटी पे काम कर रही हैं, फिल्मों में काम कर रही हैं, इस साल इनकी दशहरा फिल्म आई है, अभी ये आज जोगिरा सरारर के लिए आई हैं। मैम आप इतना काम कर रही हैं, आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलती है, कौन आपको कहता है कि काम करते रहना चाहिए, कोई पता नहीं कब कपिल शर्मा शो पे बुलावा आ जाए। ऑनेस्टली बिलीव मी, मैं आपके शो पे आना चाहती थी इतना, लेकिन मैंने कहा कैसे आऊं, अभी तो कोई फिल्में भी नहीं है, यू नो मैं जरूरी नहीं है फिल्में आ रही हूं, मतलब वैसे भी आ सकते हैं। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर कमिंग मैम, प्लीज विराजमान हो जाइए मैम। मैम चितचोर फिल्म और घरौंदा फिल्म में जब आपकी कास्टिंग हुई तो आपने ऑडिशन दिया था कि उन्होंने पहले से आपका काम देख रखा था, क्योंकि आपने नहीं, सबसे मेरी पहली फिल्म थी देव साहब की इश्क इश्क इश्क, उसमें भी मैम हमने सुना है कि देव साहब ने बिना आपका फोटो देखे आपको कास्ट किया, इज इट ट्रू? या मैं बताती हूँ किस्सा, मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से आई। अच्छा जी। और महबूब स्टूडियो के आसपास मैं पेंगेस थी। अच्छा जी। तो किसी ने कहा देव साहब इज शूटिंग, व्हाई डोंट यू गो एंड मीट हिम बिकॉज ही इज मेकिंग इश्क इश्क, जीनत अमान जी के 5-6 बहनें हैं, उसमें से एक बहन का रोल तो आप कर ही सकती हैं। अच्छा जी। तो मैं गई, फोटो सब मिले कि मैं वाज सो एक्साइटेड, तो उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि आप बैठिए मैं बोलता हूँ देव साहब को, देव साहब का शॉट चल रहा था, जैसे देव साहब सॉरी भाग रहे थे या चल रहे थे पता नहीं, बट ही वाज इतने तेजी से मेरे सामने से गुजर के मेरे कहा देव साहब मेरे फोटो, वी आर डूइंग अ फिल्म टुगेदर, ऐसे करके निकल गए। मैंने कहा ये क्या मजाक है ना, उन्होंने मुझसे बात की कुछ है, बोला कि फिल्म कर रहे हैं, फिर मैं चली गई अपना एड्रेस लिख कर। अच्छा जी। फिर एक वीक के बाद उनका प्रोडक्शन मैनेजर आया, देव साहब बुला रहे हैं, मैं अपने सारे फोटोग्राफ्स लेकर फिर उनके पास गई, देव साहब माय फोटोग्राफ्स, नो आई डोंट हैव टू सी, यू गॉट अ फोटोजेनिक फेस। उस जमाने में डायरेक्टर्स की आंखों में कैमरा हुआ करता था। एब्सोल्युटली। क्या बात। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवाज भाई से अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी जब हम गैंग्स ऑफ वसेपुर के 10 साल सेलिब्रेट कर रहे थे। नेहा से बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है, मिमो से भी काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है, वो तो शुक्र है नेहा की इंस्टाग्राम है तो आपकी कमी महसूस नहीं होती, अपडेट मिलती रहती है। हमारा जो दिनेश नहीं है लाल गिटार लेके बैठा हुआ है, ये आप ही की वजह से इंस्टाग्राम पे आया है, कहता जब कभी हम लो फील करते हैं ना तो नेहा की फोटो देख लेते हैं। हाँ सीरियसली, अगर बीपी लो भी हो ना आदमी का, ये हाथ पकड़ दे तो बीपी नॉर्मल हो जाता है, मतलब इतनी प्यारी है ये। वक्त देखो आप क्या क्या रंग दिखाता है, जब हम पिछली बार मिले थे हम दोनों कवारे थे, अब आपकी शादी हो गई है। आपकी तो हो गई है ना। हाँ। चाहे मेरी हुई है बात तो खराब हो ही गई ना, फंस ही गई ना। नेहा की नहीं हुई है लेकिन हमारी हो गई है, मामला तो फंस ही गया ना। पर नवाज भाई का मानना पड़ेगा, जब भी आते हैं ना पहले से ज्यादा स्टाइलिश नजर आते हैं। हाँ। सोशल मीडिया पे आप इनकी सूट बूट में फोटोग्राफ देख लो। नवाज भाई कोई महंगा स्टाइलिश रख लिया या हॉलीवुड में जाने की तैयारी हो रही है आपकी, अभी बीच में खबर भी आई थी कोई? नहीं कुछ खा रहा हूँ मैं, कुछ दूसरी तरीके की चीजें खा रहा हूँ। क्या 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 खा रहे नवाज भाई? है जिनसे थोड़ा एज वेज थोड़ा। पर नवाज भाई मैंने देखा आप इतनी स्टाइलिश फोटोग्राफ्स होती हैं आपकी इंस्टाग्राम पे भी, पर जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में आपका वो अटायर था लुंगी और बनियान, आप ज्यादा किसमें कंफर्टेबल होते? नहीं लुंगी तो मैंने फिल्मों में पहनी है, तो घर पे थोड़ा नहीं पहनता हूँ। नहीं पर मतलब जैसे घर में थोड़ा सा है, उसमें कंफर्टेबल होता हूँ, थोड़ा सा ढीले ढाले से हूँ कपड़े। लुंगी से ढीला तो कुछ भी नहीं है फिर नवाज भाई। लुंगी का क्या, लुंगी का प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा हवा पर चल गई तो फिर। अच्छा नवाज भाई ने कैसी बेहतरीन फिल्में की हैं, आप सबने देखी हैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर हो चाहे बदलापुर हो चाहे रमन राघव, किक जैसी फिल्मों में ऐसे रोल किए हैं इन्होंने कि बंदा देख के डर जाए। ऐसे रोल के लिए ना दूसरे एक्टर्स को बड़े सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, कभी लुक के लिए कभी बॉडी वॉडी, ये सब ये ऐसे खतरनाक एक्टर है ना अपनी लुक देख के टेरर पैदा कर देते हैं। अच्छा नॉर्मल कपड़ों में जैसे अभी सूट बूट में है ना तो आप इनसे फिर भी बात कर लोगे, अगर ये लुंगी में हो तो बंदे को डर रहता है कट्टा ना निकाल लें। नवाज भाई इस फिल्म में आपके साथ नेहा है, तो रात को सोने से पहले अलार्म लगाते थे या मन में नेहा का सोच के सुबह सुबह नींद खुल जाती थी आपकी? इनका सोच के सोता ही नहीं था। मिमो बहुत अच्छे कलाकार है, ये हम सब के चहेते मिथुनदा के बेटे हैं, आप सब जानते हैं। मिमो जब आपने पापा को बताया कि अब मैं कपिल शर्मा शो में जा रहा हूँ, जी जी बुलावा है, मैं जाऊँ क्या, तो उन्होंने बोला कोई शक बोला। उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक पॉज आया। अच्छा बोला मुझे शक हो रहा है।
सचमुच में लाइक मुझे शक हो रहा है कि तुम एक्चुअली उधर जा रहे हो, बिकॉज सब जानते हैं कि कमिंग टू कपिल शर्मा शो एक बोलते हैं ना कि एक प्रेस्टीज लेवल के लिए होता है। थैंक यू ब्रदर आपके प्यार के लिए। हमने ट्रेलर में देखा जोगीरा सारा रा के मिमो जो हैं अपने पापा वाला स्टेप कर रहे हैं उसमें, मिथुन दा का एक स्टेप कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक बार हो जाए नवाज भाई, हम तीनों करते हैं नवाज भाई। मैं दोस्तों नेहा के बारे में आपको बताऊं कि नेहा एक्टर तो बाकमाल है ही, इन्होंने लंदन से हिप हॉप सालसा जैज सारी डांस की फॉर्म सीखी है। जब डेब्यू था तो करना पड़ता है ना मेहनत, डेब्यू से पहले ऐसा सीखना पड़ता है। आई थिंक जब प्रेशर बहुत होता है ना कि पहली फिल्म है तो आप प्रिपेयर करके जाना चाहते हो, तो मुझे भी लगा कर लेना चाहिए। नहीं कहीं उन्होंने 50-50 फिल्में कर ली अभी तक नहीं डांस सीखा, ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब हाँ अपनी बात कर रहा है, लेकिन 50 फिल्म नहीं, तूने 4-5-6 की है एपिसोड, लेकिन 600 हो गए। नेहा आपने अपनी एकेडमी वालों को कहा नहीं कि आपने सारी फॉर्म सिखा दी, नागिन डांस तो सिखाओ। नागिन हमारे हिंदुस्तान में अगर आप देखो सबसे ज्यादा नागिन डांस ही होता है। बड़ी बड़ी शादियों मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग देखे हैं, दो पैक के बाद सांप बनते हुए देखे मैंने, क्योंकि क्रेज इतना नागिन डांस का। अच्छा नेहा ने डांस की ट्रेनिंग ली है और नवाज भाई के साथ डांस कर रही है, और ये ऐसे खतरनाक फनकार है ना जो सीख के भी आए उसको भी बुला दें। तो आप इनके साथ डांस का आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत मजा आया शुरू में। आई डोंट थिंक ही वाज श्योर कि इनसे होगा या ये कर लेंगे, पर जब ये आए वहाँ पे तो आई थिंक सब देख रहे थे बिकॉज ही वाज गोइंग ऑन फुल ऑन, बहुत मजेदार था। नवाज कितनी रिहर्सल ली तुमने डांस के लिए? इतना कोई खास मेरा डांस है नहीं एक्चुअली, इतना डांस तो कोई भी चलते फिरते भी कर लेता है। हल्का सा हो ना तो हो जाता है। इनके लिए हल्का सा हो जाता, आप ना ट्राई करना। फालतू में बोल कौन रहा है, मतलब तू जैसे कि डांस का बादशाह है कोई। एक फिल्म में ऐसी करूंगा ना देख लेना आप, सबके मुंह बंद करा देने मैंने। डांस वाली फिल्म मैं जेन्युइनली पूछना चाहता था नवाज भाई, वो कॉकटेल गाना आपकी फिल्म का बड़ा पॉपुलर हो रहा है, तो इतना बल्क में डांस करता हुआ मैंने कभी नहीं देखा आपको, इतना थोक में डांस कर रहे हैं ना आप। पर नवाज भाई की एक चीज है, ये इतनी कन्विक्शन के साथ करते हैं ना कि पूरा मजा लेते हैं। हमले जितने खराब भी हो तो भी अच्छे ठीक ठाक है। हाँ मतलब आर्टिस्ट खुद मजा ले रहा है तो सामने वाले को भी आता है। पर ये आपने नॉर्मल अवस्था में किया या कॉकटेल का कुछ? नहीं नॉर्मल अवस्था में तो हो ही नहीं सकते ये डांस। नेहा इस गाने में कह रही है सिंगल रह के पार्टी रोज कर, शादी तो है टॉर्चर। ये आप सिर्फ गाने में कह रही हैं या आप सच्ची में ऐसा मानती हैं कि पार्टी वार्टी करनी हो तो सिंगल रहना ही जरूरी है? नहीं यार अगर कोई अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले तो आई थिंक पार्टी भी कर सकते हैं। वो तो चलो अफवाहें हैं, मतलब उसके फिर तो यू नो बेटर ना विद द एक्सपीरियंस कपिल। एब्सोल्युटली मैं तो हाँ ठीक है। मेरे पे डाल दिया ऊपर आगे। जरीना मैम किसी के लिए जैसे डांस होता है ना कि एक्टर को बहुत अच्छा है लेकिन डांस मुश्किल है, किसी के लिए कोई एक्शन सीक्वेंस करना मुश्किल है, आपको अपने पूरे इतने करियर में कौन सी चीज मुश्किल लगती रही है? एक्शन सीक्वेंस करना एक बार मैंने किया था। अच्छा हाँ बस ज्यादा नहीं कर पाई मैं, वैसे डांस मैं कर लेती हूँ बेसिकली, मैं डांसर। नवाज भाई आपको क्या मुश्किल लगता है ज्यादा, एक्शन करना रोमांस करना? रोमांस मैंने देखा आजकल आपको मजा आने लगा। पिछली बार नवाज भाई आए थे ना तो एक रोमांटिक फिल्म की तो बोलते हैं मेरे मुंह को खून लग गया है। नहीं मुझे तो रोमांस में पहले से मजा आता था लेकिन मिलती नहीं थी फिल्में। वैसे ज्यादा आपको कंफर्टेबल किस में रहते हैं ज्यादा आप? कंफर्टेबल ठक 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 सीधा कुछ करने के। नेहा ना फिल्म में इनके घर वाले कोशिश कर रहे हैं इनकी शादी करवाने की और ये नवाज भाई की हेल्प ले रही है जुगाड़ कराने में ताकि वो शादी टल जाए। नेहा रियल लाइफ में भी आपको बहुत सारे आई एम श्योर आपके घर वालों को बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते होंगे। नहीं अब वो फोन मुझे नहीं आते हैं, पहले इनिशियली पेरेंट्स फोन करते हैं ना अभी टाइम हो गया है देखना शुरू करो शादी करो। अच्छा दे हैव गिवन अप, दे लाइक अब फायदा नहीं है इसको कुछ बोल के। अच्छा बात खत्म। नहीं अभी मतलब सोच रही हूँ राइट टाइम पे आई थिंक हर चीज होना चाहिए। अब क्या सोचना, अब तो बड़े लोगों की शादियां हो गई अब क्या। शर्मा यार आप यहाँ
पे बैठी हूँ, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा भाई। मेरी ऑटो बाहर खड़ा है, मेरे पास जरा छुट्टे नहीं थे। एक जरा वो अपना ये 2 लाख का छुट्टा दे देंगे। आपका दिमाग खराब है? नहीं, दिमाग 2 लाख के छुट्टे कहाँ होते हैं? मेरा दिमाग खराब नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब है। वो क्या ऑटो वाले को तो 20 ही रुपए देने, बाकी मुझे जरूरत थी पर 2 लाख। क्या इतने बड़े बड़े लोग आए थे? नमस्ते नमस्ते, कैसे कैसे आप? अच्छा नेहा शर्मा, आपने बताया नहीं आपकी बहन आ रही है। बहन मेरी? ये मेरी बहन है। राखी लाओ राखी। अगर नहीं है तो बना लो। क्यों? शादी हो चुकी है, अब स्कोप खत्म हो गया है। अरे वाह वाह, इतने अच्छे मेहमान आए यार, थोड़ा तारुफ तो करो। हमारे मोहल्ले के बड़े फालतू वकील हैं ये, दूसरों के हिस्सों की ऑक्सीजन खींच रहे हैं बस। ऐसे नहीं यार, ठीक है बताओ कि हमारे मोहल्ले के बड़े फालतू वकील हैं ये। मैंने यही तो बोला, मैंने यही बात बोली इन्होंने। आई एम सो सॉरी यार, माय बैड। क्या है, कानों के ऊपर बाल इतने उग गए हैं ना, ठीक से सुनाई नहीं देता मुझे। तो कटवा क्यों नहीं देते आप? नहीं, कान कटवा दूंगा तो फिर मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगा। उससे मेरे पास बेटर आइडिया है, मैं बाल कटवा लेता हूँ। तो मैंने भी तो यही बोला है, बाल कटवा लो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जो भी मैं बोल रहा हूँ वही सेम चीजें आप वापस क्यों बोल रहे हैं? ब्रदर रियलाइज किया शो आपके नाम पे, अपना कुछ ओरिजिनल बोला हो। इधर आओ, ये क्या है? क्या? दोनों पैरों में अलग अलग चप्पल क्यों पहनी आपने? ओहो, देखो सच्चाई ये है सर कि पेट के नीचे ना मुझे कुछ दिखाई देता है। आपको पता है इस पेट की वजह से मुझे कितनी दिक्कत आती है? कितनी? इतनी। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं कल जूते पहन के अपने घर से निकल गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, पैंट नहीं पहनी ना। लेकिन मानना पड़ेगा नवाज जी, कितनी कमाल की है आपकी आवाज जी। आए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, कहना सिटिया देख लो, आते हो तो। उठना अपने आप पड़ेगा, मैं नहीं उठाऊंगा आपको। मैं उठ जाऊंगा। लेकिन सर मैं सच बता रहा हूँ, जब आप कहते हैं ना भाई का, बाप का, दादा का, ओहो ओहो क्या मजा आता है यार सुन के। कहते हैं आपके बदला लूंगा और आप बदला लेते हैं, आप तो बदला ले लेते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं तो अपने भाई का, बाप का, दादा का नाम तक नहीं ले पाता कहीं पे। यार ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि उनकी इतनी उधारी है ना मार्केट में। हमारी जो फैमिली है ना, हमारे यहाँ पैसे लौटाने का कल्चर नहीं है। क्या है, हम किसी के अगर पैसे लौटाए तो सामने वाले को वो पैसे गिनने पड़ेंगे, सेफ्टी से रखने पड़ेंगे। हम ये तकलीफ देना नहीं चाहते किसी। ये तो कुछ भी नहीं है सर, मुझे 3 दिन पहले पता। जिद टूट गई है? नहीं नहीं, कोई नहीं, दिख। ये भी भूल गए थे क्या? नेहा जी, आपके ऊपर एक केस फाइल हुआ है। किस बात का केस हुआ? आराम से बैठिए पहले तो आप। मैं आराम से, आराम से बैठिए। हाँ, बताइए किस बात का केस हुआ है? तो भाई केस फाइल हुआ है, अमूमन देखा गया है जो आपकी जिप खराब हुई ना, नॉर्मल जिप लगाए मत करो। आप जिप बनवाया करो उनसे जो कंपनी लिफ्ट बनाती है। तो मैं बता रहा था, तो भाई आपके ऊपर केस फाइल हुआ है। अमूमन देखा गया है कि आप जाती हैं जिम जी। अब ये जो ये समोसा, वड़ा पाव, भजिया, पाव भाजी, छोले भटूरे, ये वाले जो लोग हैं ना, इन्होंने आप पे केस फाइल किया है कि आप ज्यादातर प्रोटीन और सलाद को प्रमोट करती हैं, इनके प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट नहीं करती। वेरी रॉन्ग। अब वकील साहब, सबकी बॉडी आपके जैसी थोड़ी होती, कुछ भी खाओ वेट बढ़ता ही नहीं को प्रॉब्लम होती है। I agree. इसमें मैं सच बताऊं तो मेरा कोई योगदान नहीं है। इट्स जेनेटिक। अच्छा, इट इज जेनेटिक, हमारी जीन्स में है। हमारे फैमिली में सारे के सारे लोग खाते बहुत हैं, शरीर को लगता ही नहीं। पता नहीं कैसे हो जाता है। वैसे मीमो जी जी,
कैसे हैं आप? बढ़िया सर। भाई एक केस है जो मेरे क्लाइंट ने आपके पापा के ऊपर भी फाइल करने की सोची है। कौन सा केस? बताइए बताइए। हुआ क्या, कुछ वक्त पहले आपके पापा ने मेरे क्लाइंट से कहा कि तेरे नाम का कुत्ता पालूं। अब मेरे क्लाइंट कुछ दिन पहले आपके पापा के घर पे गए थे, वहां बहुत सारे कुत्ते हैं लेकिन संदीप नाम का कोई कुत्ता ही नहीं था। अब उन्होंने जब कहा है कि तेरे नाम का कुत्ता पालूं, तो दिस इज ब्रीच ऑफ कमिटमेंट। संदीप नाम का कुत्ता कहाँ है? पालो भाई, कहाँ है? पालो तो पालो। यह बात आप जरा अपने पापा को बता दीजिएगा। बता दूंगा, बिल्कुल। वैसे नेहा जी, एक और केस है, एक आदमी है जिसने आपके खिलाफ केस फाइल किया है कि आपने उसके साथ फोटो नहीं खिंचाई और उसको ऑटोग्राफ भी नहीं दिया। किस आदमी के साथ? इस आदमी के साथ। यही है वो एक आदमी। मैंने जरा सा नेहा जी को कहा था कि एक दिन मेरे साथ जरा कोर्ट में आ जाइए, वहां पे एक मैरिज सर्टिफिकेट होगा, उस पे आपको ऑटोग्राफ देना है और थोड़ा सा मांग में सिंदूर लगा के मेरे साथ एक फोटो खींचनी है। इतनी सी बात, ये मानी नहीं? नहीं मानी, नहीं मानी। ठीक है नेहा जी, आई विल सी यू इन कोर्ट। इस बात के लिए कोर्ट कौन जाता है? वो वाला कोर्ट नहीं, I will see you in food court. अच्छा food court. किसी मॉल में मिलते हैं food court में। जी। प्यार से एक पिज़्ज़ा खाएंगे। जी। एक स्लाइस आप खाएंगी, पांच स्लाइस मैं खाऊंगा। फिर एक स्लाइस आप खाएंगी, पांच स्लाइस मैं खाऊंगा। और बिल आएगा तो आधा आधा। ये क्यों आधा भरेंगी भी? नहीं नहीं, पूरा नहीं भरने दूंगा मैं इन्हें। मैंने भी थोड़ा थोड़ा बीच में खाया है, मैं भरूंगा पैसे। स्वीट। आधा तो भरूंगा। आपको शायद पता नहीं है, कुछ दिन पहले नेहा जी आपके लिए बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था मेरा। इनकी वजह से कैसे? हाँ, ये कुछ पार्टी से कहीं से बाहर निकली, चार मुस्टंडे बड़े बड़े कैमरा ले गए, इनके चेहरे के सामने आके फोटो खींचने लगे। मैंने उनको जाके पकड़ा, मैंने कहा ये क्या तरीका है यार, कैसे इनकी फोटो ले रहे हो? अरे वो पपराजी होंगे। नहीं, पापा के राजी होने से कुछ नहीं होता, लड़की राजी होनी चाहिए। बाद में आप वहां से निकल गई, मैंने बाद में उन चारों को घेरा। Okay. उसके बाद वो पापा राजी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसके लिए मैं राजी नहीं था। क्या क्या हुआ? चलो हिट भी, उन्होंने मुझे मारा, काफी मारा। चलो मारा तो मारा, बाद में दो लोगों ने मुझे अलग से टपलियां भी मारी। That hurt me. पर आपको कौन सा लगी होगी, भगवान ने हेलमेट पहना के भेजा आपको? शर्मा जी, ये बात ना यहाँ पे हंसने हंसाने के लिए ठीक है, लेकिन पुलिस इस बात पे नहीं हंसती। अभी परसों ही मैं बाइक पे जा रहा था, पुलिस ने मेरा चालान काट दिया, कहते हैं कि आप हेलमेट नहीं पहने। मैंने कहा आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है? शर्मा जी को तो इसमें हेलमेट ही दिखाई देता है। नवाज जी, मैंने देखा कि कभी कभी, मैंने जाना है, कभी कभी आपको लगता है कि आप भगवान है। कभी कभी आपको लगता है कि आप तो मैं आपको सच बताऊं, कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। सेम सेम टू सेम सेम। मुझे पता है क्यों ऐसा लगता है, बिकॉज आई कैन सी द फ्यूचर। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पेट के नीचे दिखता नहीं, फ्यूचर दिख जाता आपको। मुझे कैसे भविष्य दिखाई देता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हाँ। मैं आपको फ्यूचर बताता हूँ। आपकी जो फिल्म आ रही है ना, ये सुपर हिट है, ये सुपर हिट है। अगर ना हो तो कहाँ मिलेंगे आप मुझे? कोर्ट में? कोर्ट के बाहर आइए। मैं वहीं पे खड़ा रह के अंदर घुसने की कोशिश करता रहता हूँ। और भविष्य बताता हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में हाँ। शर्मा जी को आएगा गुस्सा, और अभी थोड़ी देर में नेहा जी मुझसे कहेंगी आई लव यू। आपका दिमाग खराब है? ये देखो गुस्सा आया। आ गया, आ गया। देखिए मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। वकील साहब, मैं आपको एक बात बतानी भूल गया। गेट आउट। मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। दोस्तों, वक्त है दो और मेहमानों को इस मंच पे आमंत्रित करने का। ये दोनों ही बड़े कमाल के सिंगर हैं। जोरदार तालियां निकिता के लिए। निकिता, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है आपका। और थैंक यू। अब दूसरे जो मेहमान आ रहे हैं, आप सबकी तालियां ऐसे बजती रहनी चाहिए। प्लीज वेलकम नकाश अजीज।
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आइए। निकिता, नकाश, आप दोनों पहली बार हमारे शो पे आए हैं। बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस था आपका। नकाश भाई, आपने बाल काफी समय से लंबे रखे हुए हैं। कोई मुझे बता रहा था जब आप फिल्मों के लिए नहीं गा रहे होते आप कव्वाली का प्रोग्राम भी पकड़ लेते हैं। सर एक्चुअली सच बताऊं तो जब बचपन में मैं शो करता था तो मेरे बाल तो बहुत छोटे होते थे और मैं कव्वाली ही गाता था तभी। अच्छा। हाँ, और मतलब 3 घंटे का शो होता था, उसमें आखिरी में मेरी एक छोटी सी कव्वाली होती थी। आप अगर नकाश के गाने सुनो ना, बड़े मजेदार लिरिक्स होते हैं, आप चाहे पुंगी बजा के हो, चाहे धटिंग नाच, चाहे गंदी बात, चाहे अफगान जलेबी, चाहे सेकंड हैंड जवानी, है ना, प्यार की माँ की भी गाना इनका। तो जो आपके लिए लिरिक्स लिखते हैं, आपने कभी उनसे पूछा आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है? वेल, अमिताभ भट्टाचार्य एक वन ऑफ द फाइनेस्ट, बड़े कमाल, बहुत सारे गाने एक्चुअली उनके ही लिखे मोस्टली। ये प्यार की माँ की जो गाना है जी, ये तो मुझे नहीं लगा था रिलीज होगा। अच्छा। बट एक दिन मैं देखा तो अक्षय बाजी हेलीकॉप्टर में आ रहे और वो वैसे गाना शूट हुआ है। अच्छा। मैं खुद बहुत सरप्राइज था कि पास कैसे हो गया क्योंकि। अच्छा, निकिता कमाल की सिंगर तो है ही, इन्होंने डेंटल सर्जरी की डिग्री भी ले रखी है ना निकिता। निकिता, कभी ऐसा होता है आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गा रही हो तो स्पेशल पैकेज दें आप कि गाना तो मैं गाऊंगी, साथ में आपका मैं रूट कनाल भी कर दूंगी? मैं एक्चुअली वो पैकेज नहीं देती हूँ। अच्छा, मेरे पास ना काफी 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 अजीब कॉल्स आते हैं। अच्छा जी। एक रात ना बहुत लेट नाइट एक मिस कॉल आया था प्रीतम दास से। अच्छा। तो मुझे लगा क्या हो गया, तो मैंने कॉल बैक किया, ना ना हमारे दातेर बैठा छिलो, दांत में दर्द था इसलिए उन्होंने कॉल किया। वो फ्री में कंसल्टेशन लेते हैं। पर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की ना वैसे? थोड़ा बहुत किया है बट उसके पहले ही रापता मेरा पहला गाना जो था वो हो गया तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। हेलो। एक बार जो उठा सारा रारा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सपना, जो गिरा सारा रारा। अरे जो गिरा है कभी तो उठेगा कप्पू। नमस्ते नमस्ते। आप फिर से आ गए हैं। बस पब्लिक का प्यार है। पब्लिक का या? पब्लिक का या इसका प्यार है? नवाज जी, इज्जत का क्या है, इज्जत तो आती जाती रहती है, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। खैर नमस्ते 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 नमस्ते। सपना क्या कर रही है तुम? अरे तू देख कप्पू, तेरी सपना 15 मिनट नमस्ते करके तक से आशीर्वाद लेके पक से कैसे निकलती है। बाबा हमसे नहीं होता, आप इच कर सकते ये। खैर पूरी कास्ट के लिए एक बार जोरदार ताली और नवाज जी के लिए बमबारी हो जाए। बमबारी मतलब ये क्या बोल रही हो? अरे नहीं, मैं फिल्मों में देखी है इनको बम कट्टा दोनाली यही सब लगता है। खैर नवाज जी, लेकिन आज बम कट्टा छोड़ के क्या बात है, फुलझड़ी लेकर आए बम से कम है। नेहा वेरी नाइस, वी आर ट्विनिंग। हाँ सेम, लेकिन फिर भी नवाज जी आप ही के बारे में सोचेंगे। आप बॉम हो, एटम बॉम। थैंक यू। नहीं लेकिन अगर आप फुलझड़ी है ना तो मैं पेड़ चढ़ी हूँ। आंटी मेरे छावा है ना मुकेश, हाँ उसके साथ मैं ना अभी जंगल में जा रही थी अर्चना जी, पीछे से भालू आ गया तो मैं पेड़ पे चढ़ गई। और मेरा बॉयफ्रेंड नवाज जी का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा। तो वो 15 मिनट सांस रोक के पेड़ के नीचे ऐसा लेट गया। फिर बच गया वो? नहीं नहीं, भालू ने भी किक देखी थी। उसका टक करने से पहले पक से उसने उसको पकड़ लिया। और नवाज जी, क्या हाल बना रखा है? क्यों, अच्छा खासा तो नहीं? इनका बंगला देखा है, क्या हाल बना रखा है उसकी बात कर रही हूँ। माय गॉड, इतना व्हाइट बंगलो ना आपका, वर्सोवा का व्हाइट हाउस बोलते हैं उसको। इतना व्हाइट कलर सर कहाँ से लाए आप? नहीं नहीं, इतना व्हाइट है सामने से अंग्रेज लोग जाते ना वो लोग भी ब्राउन लगते हैं उधर। नवाज जी मालूम है मैं भी ऐसा कभी कभी सोचती हूँ, मालूम है कि मेरे दादाजी की तरह मेरा भी बंगला हो। उनका भी बंगला था? नहीं वो भी सोचते थे। मेरे पास पैसा है बंगला बनाने के लिए लेकिन मैं बनाएगी नहीं। क्यों? क्यों नहीं? तो वो सोचने की लेगेसी खत्म हो जाएगी ना घर की।
हम लोग बहुत दान खानी लोग हैं। अबे खानदानी लोग होते हैं। दान लेके खाते ना हम लोग। कभी भीख नहीं मांगी हम लोगों ने। खानदानी कौन होते हैं जिनका जमीर होता है, वो लोग मेहनत करते हैं, हम लोग मांग लेते। नवाज जी मैं आ सकती हूँ क्या उधर? आ सकती हूँ। मजा आ गया। ऐसा टक से छूते ना बहुत मजा। मैं टक नहीं, मैं डिशुम करूंगा। नहीं, मेरे को गदरीले लड़के बहुत पसंद है। नवाज जी, हाँ जी, ये जरा मीमो के साथ मेरा जुगाड़ सेट करो ना। वो क्यों करें जुगाड़ सेट तुम्हारा? अरे ये अगर जुगाड़ सेट कर देना तो इनका जुगाड़ फेल नहीं होता है, प्रोमो में देखी मैं। ये बोलते हैं कि तुम्हारा हर जगह जुगाड़ फेल हो जाता है, तो मेरे मेरा डाउट है मुझे कि तुम्हारा जुगाड़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरे अभी दिखाती हूँ मैं आपको। मीमो जी, आप मेरे को देख के वही सोच रहे हैं ना? हाँ। जो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को देख के सोचता है। ए, सपना। हाँ। वो कुछ नहीं सोच रहे। हाँ तो वो भी कुछ नहीं सोचता है। मेरा बॉयफ्रेंड भी कुछ नहीं सोच रहा है, ये भी कुछ नहीं सोच रहे, तू काहे को इतना सोचता है मेरे बारे में? नहीं नहीं, लेकिन इसका सोचना बनता है। हाँ। क्योंकि शो इसके नाम पे है ना। हाँ। मेरा और अर्चना जी का क्या है? हम दोनों को तो सिर्फ औरत बन के आना होता है। मेरे को पहले मालूम था ये आदमी बैटरी पे चलते हैं, तभी इतना एनर्जी आप में है। मेरे को ना आपका ऊंटी में वो बहुत अच्छा लगता है, वो होटल नहीं, मिथुन चक्रवर्ती। हाँ मेरे को बहुत अच्छे लगते। मैं छोटी थी ना, उनका सब पिक्चर विक्चर देखती थी। अच्छा। वो बोलते ना तेरी जात का बैदा मारूं। हाँ। है ना? वही वही वही। कप्पू तेरे को मालूम है, इतनी फैन में 3-4 बैदा उनके पास लेके गई मैं। अच्छा, फिर? हाँ, कभी मारा नहीं उन्होंने, बहुत अच्छे आदमी है वो। मैं आपके डैडी को जी बुला सकती हूँ क्या? बोलो। तो ससुर जी को फोन लगाओ ना। सपना है, शादीशुदा है? शादीशुदा है? हाँ। कोई बात नहीं, छोटा भाई ना नमाशी। हाँ वो है। हाँ, उसका करवाऊ ना कुछ मेरे, तो थोड़ा सा। शर्म नहीं आती? अभी इनके चक्कर में थी तू? नहीं, प्यार व्यार से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो सिर्फ चक्रवर्ती चाहिए, चाहे वो किधर से भी आए। मेरी बीवी ना, वो भी फिल्म सिटी में ही है, तो जोर से जरा बोलोगे तो चल के आ जाएगी वो। कोई नहीं, हम दोनों मिलके एडजस्ट कर लेंगे आपके साथ में। उसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। और कैसे है? बस। अच्छा, आप इतनी देर से बैठे हैं, आपने अभी तक ये लैंप के लिए गाना नहीं गाया? लैंप के लिए क्यों गाएंगे? अरे जब ये फैन के लिए गा सकते हैं, ट्यूबलाइट के लिए गा सकते हैं, तो लैंप के लिए क्यों नहीं गा सकते? ये भी छोटा मोटा लैंप नहीं है, सलमान खान प्रोडक्शन का लैंप है वो। एक बार नेहा कक्कड़ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नेहा शर्मा है ये? हाँ, मेरे को मालूम है, मैं नेहा कक्कड़ के लिए अलग से बजवा रही हूँ। क्यों? वो उसने मेरे को बोला था कि अभी ना मेरा कोई एल्बम विल्बम नहीं आ रहा है। हाँ। तो ऐसा शो में बीच में नाम ले लेना, वो मार्केट में भौकाल बना रहता है सब। कप्पू तू बड़ा आदमी है रे, ये 150 रुपए का प्रमोशन हम तेरे को नहीं बताते हैं। और नेहा जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, हम लोग बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसे इनके लिए जोरदार ताली, क्या खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। नेहा जी, आपके डैडी MLA है ना? जी। हाँ, हमारे ना बहुत प्रॉब्लम चल रहे है। तो हमारे घर के आजू बाजू का एरिया है ना, उधर सब सड़कें टूट गई है, डैडी को बोल के जरा उधर। अरे वो MLA बिहार में है, यहाँ पे थोड़ी ना। बिहार में सड़कें बनवा लेना, भिजवा देना हम लोग। वहाँ बनवा के आप भिजवा दो, बहुत प्रॉब्लम हो गया हमारे उधर एरिया में। छोटे छोटे बात पे ना वो पुलिस वाला उठा के ले जाते, छोटे छोटे बात पे। अभी कल मैं मार्केट में गई, मैंने ऐसा गन निकाला, मेरे को पुलिस उठा के ले गई। छोटी बात है,
गलत बात है ना, उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए तेरे पास। तो मैं लाइसेंस दिखाया उन लोग को, वो लोग बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में बैठ के बंदूक चला लेगी। मैं आपको सच्ची बताऊं, हमारे एरिया में कोई ग्रोथ नहीं। हमारे बाजू में शुक्ला जी रहते हैं, हाँ, 18 साल के बाद उनको बच्चा हुआ। अच्छा। वो भी इतना सा। सोचो आप, इतना बड़ा सीईओ है वो कंपनी में, हाँ। करोड़ों रुपया कमाए, नंगा बच्चा पैदा हुआ उसको। अभी हम गरीब लोग को भी नंगा, अमीर लोग को भी नंगा है, कोई फर्क तो होना चाहिए ना। अभी हमारे ना पीछे वाला गली है ना आंटी, उधर भूखा आती है ना। अभी हम लोग क्या एनिमल लवर रहे ना, हम लोग भी जानवर है। वो हाथी को, वो चार माले का बिल्डिंग था, कैसे कैसे करके हम लोगों ने उसको टेरेस पे लेकर गए, मालूम है? टेरेस पे क्यों चढ़ाया हाथी को? गन्ने ऊपर थे ना टेरेस में। ऐसा गन्ने ऊपर से नीचे फेंक देते? अरे नहीं बाबा, पिछली बार अंडे फेंके थे हमने, सब टूट गए थे, बहुत नुकसान हो गया था। सपना को आज तू कितनी फालतू बातें कर रही है। कप्पू तेरे को एक बात बताऊं? क्या सर, फालतू बातें करने के लिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए, है कि नहीं? फालतू बातें इधर और चेक सीधा बैंक में। नहीं बाबा, आप ही कर सकते हैं। हमसे नहीं होता बाबा। सपना तू इधर आके ना, हमारा इंटरव्यू चल रहा था, खराब कर रही तू। अच्छा, मैं तेरा इंटरव्यू खराब कर रही हूँ? तो? तू मेरे को एक बात बता, 10 साल हो गए तेरे को इंटरव्यू लेते लेते, आज तक तूने किसी को जॉब दिया है? कभी किसी को जॉब नहीं दिया, इंटरव्यू लेता रहता, और मेरे को बोलता है मैं खराब करती, मैं खराब करती। हेलो मैम, जरीना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा। मैं तो वेट कर रही थी आप कब आएंगे, बहुत मैं फैन हूँ आपकी। मैं तो खुद आपको देखना चाह रही थी। अरे थैंक यू, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। देख के कैसा लगा इनको? बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। मैं आपका पिक्चर देखी, वो आप वो है ना, वो शाहरुख भाई मार्केट में बोलते मम्मी जान कहती थी ऐसा नहीं करने का वैसा। हाँ, मैं देखी हूँ आपको। और अग्निपथ पिक्चर में भी थे ना आप? जी हाँ। यू नो, आपको देखकर ना मेरे को मेरी चाची की बहुत याद आती है। वो भी एक्ट्रेस थी? नहीं, वो भी आदित्य पंचोली को बहुत प्यार करती थी। मेरी चाची बहुत प्यार करती थी उनको। हाँ, इतना प्यार करती, प्यार में पागल हो गई थी। जब आपकी शादी का पता चला ना, वो गांव से भाग के इधर मुंबई आ गई। तो रुकवाई क्यों नहीं शादी? नहीं नहीं, वो लिटरली भाग के आई थी ना, 4-5 महीना लगा उसको, वाया औरंगाबाद। फिर उधर भागी औरंगाबाद आगरा वगैरह से, मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम लगा, 9-10 महीने लग गए होंगे, तब तक सूरज हो गया था। मैम, मेरे को ना आपको एक और बात पूछनी थी। आप पूछे ना। अभी ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ कभी घर पे रहते हैं, कभी टाइम पास के लिए गेम वेम खेलते हैं, तो आप उनके साथ आंख में चोली खेलते हैं कि आंख में पंचोली खेलते हैं? एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, मैंने सबसे कोई ना कोई फालतू बात की है ना। तो अभी आप इतने सीनियर है, मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैंने आपसे फालतू बात नहीं कही आप नाराज ना हो जाएं। इसीलिए मैं ऐसा बोली थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग को मिलके। और सब, अरे मेरे से नहीं गया, आपसे बातचीत नहीं किया ना मैंने। ओहो, आपका ना पिक्चर का प्रमोशन चल रहा है ना। हाँ, तो आप शूटिंग वूटिंग में बिजी रहेंगे? मैं तो सिंगर हूँ। फिर भी प्रमोशन में आप बिजी है ना अभी फिलहाल? अच्छा। जब आप फ्री हो जाएंगे मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ओके बाय। आप सब अपने फैंस के लिए जो पिक्चर्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, नेहा मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ, बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं नीचे, आइए देखते हैं। ये नवाज भाई ने फोटो डाला है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू ए रोमांटिक एंड डांस ओरिएंटेड फिल्म एंड टू लर्न दिस स्किल्स, हु इज बेटर देन सलमान भाई हिमसेल्फ, हैशटैग मोतीचूर चकनाचूर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जो सबसे खराब होगा वो दिखे दिखाओ। लगता है सलमान भाई के 2 ज्यादा हो गए हैं, नवाज भाई को जैकलीन समझ रहे हैं। किसी ने लिखा, नहीं भाई, नवाज भाई के 4 ज्यादा हो गए, वो खुद को जैकलीन समझ रहे हैं। ऐसे ही एक बकरी मेरी लुंगी खींच के भाग गई थी, पूरे मोहल्ले ने लाइव टेलीकास्ट देखा था। और दिखाइए, नवाज भाई भी लाइक, संभाल के सलमान भाई, शो के बाद कोर्ट वापस भी करना है। और दिखाइए, नेहा ने फोटो डाला है,
आई लव कुकिंग एंड कुकिंग क्लास इज ऑलवेज अ गुड आइडिया. आप सीरियसली कुकिंग सीख रही हैं? या अच्छा बहुत अच्छी पिक्चर आई है. नीचे कमेंट्स देखते हैं. नेहा पास है इसलिए मुस्कुरा कर खाना बना रहा है. हम पास चले जाएं तो हमारे तो मुंह पे नींबू निचोड़ दे. शेफ तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे डिश बनने के बाद नेहा उससे शादी करेगी. ये शेफ शरीफ है, हमारा तो नींबू चाट के आंख मारता है. और दिखाइए. शेफ बड़े स्मार्ट होते हैं. अगर सुंदर लड़की सामने आए तो 2 मिनट में बनने वाले नूडल भी 2 घंटे में बनाते हैं. ये तो है. और दिखाइए. वाह वाह. ये कैसे ऐसे देखनी पड़ेगी फोटो. मिमो ने ये फोटो डाला. वेल इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ए कप ऑफ टी एंड ए बनाना. और दिखाइए नीचे कमेंट्स. केला टेढ़ा होता है पर इसको सीधे होके भी खाया जा सकता है. कभी कभी सोचता था ये कौन लोग होते हैं जो चाय के साथ केला खाते हैं. आज देख भी लिया. सार्वजनिक चेतावनी, ये स्टंट लुंगी पहनकर ना करें, इससे आपका मुंह ढक सकता है. ब्लू टिक हटने के बाद पगलाया स्पाइडरमैन. और दिखाइए. निकिता ने फोटो डाला है. चाय विद प्रीतम. Cheers to our 2 releases from Shahzada. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. प्रीतम जी के कोट का ऊपर वाला बटन खुला है, जैसे ही सांस छोड़ेंगे दूसरा भी टूट जाएगा. आपको आपके प्रीतम मिल गए, पता नहीं मुझे मेरी प्रियतमा कब मिलेगी. प्रीतम दा को कटिंग चाय की नहीं हेयर कटिंग की जरूरत है. और दिखाइए. नकाश ने ये फोटो डाला है. ये नकाश कहाँ की फोटो है? स्टेडियम मैच उधर हो रहा है, आप इधर किसको देख रहे हैं आप? ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल्स था लॉर्ड्स में. मुझे लगा आप अकेले ही होंगे जो सूट पहन के गए होंगे मैच देखने. मेरे 3 दोस्त भी पहने, वो भी सूट में थे. वाओ. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. आपके एटीट्यूड को देखकर लग रहा है जैसे आपने टिकट नहीं विकेट लिया है. भाई आप कितना भी तैयार होकर खड़े हो जाओ, मैच में कैमरामैन दिखाते सिर्फ लड़कियों को ही है. नकाश भाई गए तो थे क्रिकेट मैच देखने, लेकिन अब ये ऑडियंस में अपने लिए मैच ढूंढ रहे हैं. नकाश भाई अगर आप बाल खोल कर हाथ में पॉम पॉम पकड़ लो तो आप इस मैच में 1000 रुपया कमा सकते. और दिखाइए. नवाज भाई का फोटो है. ऑल सेट फॉर द रेड कार्पेट एट फेस्टिवल द कांस. कांस फेस्टिवल का फोटो है. वेरी नाइस पिक्चर. भाई वाह, आजकल इंग्लिश स्टाफ रखा. बाहर जाके बोलने लगता हूँ. बाहर जा. ये नीचे कमेंट देखते हैं. ये बाल बनाने वाली कान से ही मिली होगी, आपके बजट की तो नहीं लगती. भाई एक बार मैं भी ऐसे ही तैयार हुआ था, लेकिन कोई ट्रॉफी की जगह ट्रे पकड़ा गया. नवाज भाई इतने अच्छे मेकअप के बाद भी टेंशन में है कि फेस्टिवल में जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. नवाज भाई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं भाई तबे. और दिखाइए. सर क्या ये बाल ही सेट करती है या किसी के साथ लाइफ में सेट भी हो सकती है? मैं सिंगल हूँ, मेरी इनकम 5 अंकों में है और मैं फ्रांस से रिश्ते भी मजबूत करना चाहता हूँ. वाह भाई बहुत सही. और दिखाइए. ओह गॉड. नेहा ने फोटो डाला है. मी इन माय एलिमेंट. नेहा ये कहाँ की फोटो है? ये दुबई की फोटो है. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. जिंदगी मेरा भी कुछ ऐसा भाव लगा दे जिस किनारे ये बैठी है उस किनारे मेरी नाव लगा दे. किसी ने उसको रिप्लाई किया है, नौकरी तुझसे होगी नहीं, तू 5000 का ठेला ले और वड़ा पाव लगा ले. क्या फायदा इतना सुंदर होने का अगर समंदर किनारे अकेले ही बैठना है. इन्होंने जरूर पत्थर के पीछे किसी कपल को देख लिया है इसलिए शर्मा रही है. और दिखाइए. गॉड. खत्म. अच्छा नॉर्मल भाई बहन घर में तो साथ रहते ही हैं. नेहा की जो सिस्टर है ना आयशा, ये लोग इंस्टा पे साथ रहते हैं. आप दोनों अलग होते तो आपका घर में भी रहते हैं साथ. घर में भी साथ रहते हैं. हर समय साथ ही रहते हैं. तो आप अलग अलग होते तो आपका नेटवर्क नहीं आता क्या? मैम आप सोशल मीडिया पे नहीं है ना? नहीं मुझे. अरे अभी मिसिंग द ट्रोलिंग. आपका कभी दिल नहीं किया ऐसे जाने का सोशल मीडिया? अलावा कैंडी क्रश की मुझे कुछ नहीं आता. बहुत अच्छी बात है. एक्चुअली टेंशन ही है. मिमो मिथुन दा पे हर किसी का क्रश रहा है जी. कभी जब आपके स्कूल में कभी आपकी किसी टीचर ने कहा नहीं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में
मिथुन दा को अकेले को लेके आना मेरे घर पे ऐसे। सर इतने इतने ऐसे ओकेजन हो चुके हैं कि मैं आपको क्या बोलूं। हमेशा कभी कभार तो जो मेरी क्लासमेट्स होती थी वो बोलती थी आपके पापा कब आ रहे हैं। पर पापा कभी जाते थे पेरेंट टीचर मीटिंग में? वो तो बिजी होते थे शूट में मैम, तो उनका नहीं होता था। तो फिर हमेशा मामा आती थी तो पूछती थी कि आपकी मॉम क्यों आई, आपके डैड किधर। अच्छा नवाज भाई के बारे में आप सबको बता दूं, आपने इनको फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा, लूटपाट करते मारपीट करते हुए देखा, लेकिन इन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है। सीरियसली नवाज भाई? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं मेरे जैसे लोग ही करते हैं ग्रेजुएशन। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कि आप तो शुरू से एक्टर बनना चाहते थे, केमिस्ट्री की में ग्रेजुएशन। मेरा तो ग्रेजुएशन के बाद में हुआ शौक इस तरफ। अच्छा हाँ, मतलब केमिस्ट्री वेस्ट्री पढ़ रहे थे पहले, हकीम बनने पहले तो हमें वही कुछ। बट कॉलेज में नवाज में ड्रामा वगैरह थिएटर? नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैंने ये ग्रेजुएशन करने के बाद ड्रामा शुरू किया। बट कैसे सडनली मतलब ये? हाँ सडनली मेरे एक दोस्त ने मुझे दिखा दिया थिएटर और मुझे थिएटर देख के लगा सारी चीजें छोड़ दी मैंने। मैं केमिस्ट भी था इवन, तो सब सारा जॉब अब छोड़ दिया और फिर फुल टाइम थिएटर करने लगा मैं। वाह मेहनत करके आए, ऐसी बात नहीं है। कहा ये जो अपना गाना था करंट लगा रहे, बड़ा सुन के भी करंट लगता है, मतलब ऐसा एनर्जी वाला गाना है, उसके पहले कोई प्लग व्लग में उंगली डाली आपने के? फिर रणवीर का हाथ पकड़ के आपने वो एनर्जी आ गई थी? नहीं आपको पता था ये रणवीर के लिए गा रहे हैं आप? हाँ मुझे बताया था तो मैंने बोला यार आई थिंक आई शुड रियली यू नो गेट माई, ऑफ कोर्स फॉर एवरीबॉडी आई शुड गेट माई एक्स्ट्रा एनर्जी तो डालनी पड़ी होगी ना कि यार रणवीर के ऊपर पिक्चराइज किया जा रहा है थोड़ा। ऑफ कोर्स हाँ दिमाग में तो आता है, बट बाकी आई होप मैंने अच्छा काम किया। बहुत ही कमाल का गाया था आपने। निकिता का भी एक गाना ना आओ कभी हवेली पे बड़ा हिट हुआ, कभी ऐसा हुआ आप गा रही हो स्टेज पे कि आओ कभी हवेली पे और कोई आ गया हो? थोड़े ज्यादा इनविटेशन चले गए, हर शो पे गाना पड़ता है और उसके बाद लोग एड्रेस पूछने लगते हैं। जुगीरा सारा रारा जो मूवी है ये शादी के अराउंड है, शादी के पहले ना जो सारे कपल्स होते हैं उनको एक दूसरे में कोई कमी नजर नहीं आती, शादी के बाद आनी शुरू हो जाती है। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर के बीच में ऐसी कौन सी कमी है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, आप अपने अपने विचार यहां पे पेश कर सकते हैं। जी हाय एवरीवन, हाय कपिल जी, हेलो मैम, वेलकम, हाय नवाज सर। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, नवाज सर मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। कपिल सर मेरा ये सपना था यहाँ आने का, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लंदन से दिल्ली, दिल्ली के बीच मेरा यहाँ सेटिंग बन के आने का, मैं वहाँ से सीधा बॉम्बे और मेरा सारा सामान बाहर है, मैं इस हालत में फटाफट यहाँ पहुँची हूँ कि मैं अंदर आ जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। मैंने एक्चुअल अभी तक पानी नहीं पिया। अरे प्लीज पानी पिलाओ कोई मैडम को। पानी पिला दो भैया। सर मैं इतनी एक्साइटेड थी और अब इतनी खुश हूँ कि मुझे बहुत देर तक प्यास लगने वाली नहीं है। अच्छा नहीं लगने वाली सर। क्या नाम है आपका? सर साक्षी दुआ। साक्षी जी आप लंदन से दिल्ली आई, फिर दिल्ली से बॉम्बे आई, yeah. बॉम्बे से फिर हमारे एयरपोर्ट से यहाँ पे आ गई, इसके बाद कहाँ जाने वाली हैं? इसके बाद सर अभी दो दिन रुकूंगी, मंडे को वापस चली जाऊंगी। अच्छा जी, हाँ जी सर। सर जैसे कि आपने बोला मुझे भी मेरे हस्बैंड से, मेरे वैसे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है, केयरिंग है, बट जब से मैं नानी बनी हूँ। साथ में आए? हाँ सर वो बाहर टैक्सी में है, सामान संभाल रहे हैं। यार उनको लाउंज में बिठा देते, वो टीवी पे भी दिखता है। सर वो स्क्रीन पे आपको और मुझे देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं। एक्चुअल मेरी प्रॉब्लम ही मैं बता रही हूँ, जब से मैं नानी बनी हूँ वो। नानी बन गई आप? सीरियसली? एक्चुअली वाओ मैम, लगता नहीं, आई मीन आप बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड शी इज माय डॉटर, इसी की बेटी की वो ड्यूटी दे रहे हैं। मेरी प्रॉब्लम यही है जब से मैं नानी बनी हूँ वो हस्बैंड की ड्यूटी छोड़ के नानू की ड्यूटी पे लग गए हैं। बहुत अच्छे से सारा टाइम नानू, मतलब उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है और हर बात पे हमारा नाइट आउट, हमारी क्लबिंग, हमारा सब कुछ बंद हो गया है, शॉपिंग भी नातिन की एंड सब कुछ नातिन का। तो मुझे तो कहते तू नानी बन गई है, अब कहीं नहीं जाने वाली। तो मतलब वो अभी भी बाहर ही हैं, तो वो इतने लेजी हो गए हैं कि अब उन्हें उठा, वो घंटों भर सोते हैं और उन्हें उठाने के लिए भी मुझे नातिन का ही फोन कराना पड़ता है। अच्छा। इसलिए वीडियो कॉल कराती हूँ, अदरवाइज मेरी पैम्परिंग का, शाउटिंग का कोई असर नहीं हो रहा। तो उनकी आदत है कि अब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनकी आदत बढ़ती चली जा रही है कि वो बहुत ज्यादा सोते हैं। बड़े क्या हो रहे, लंबे हो रहे हैं या उम्र में? उम्र में नानू की फील में बहुत जल्दी आ रहे हैं। उम्र में बड़े हो रहे हैं जब वो नानू की लगा, अभी भी हाइट बढ़ रही है उनकी। तो मुझे ये थोड़ा
लगता है कि वो बैलेंस करें दोबारा, पहले वाला चार्मिंग और सब कुछ वो सब चल, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ तो वो वैसे ही हो जाए, अदरवाइज ही इज फाइन। तो आप नानी तो बन गई, एक बार फिर टाइम निकाल के मम्मी बन जाओ। मतलब ओके, आई मीन माय गॉड, पता है मैं ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हम लंदन आ रहे हैं, जल्दी आप आइएगा हमारा शो देखने। अभी आप पानी पी लीजिए, देखिए बॉटल दे। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हैं, जी भाई साहब इनको माइक दे दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन सर, मेरा नाम नीरज शाह है। नीरज शाह जी। अच्छा जी, मैं डिब्रूगढ़ असम से आया हूँ। असम से आए जी? जी आप। अच्छा, देखिए सर मैं असम से के शाम से आए, मतलब कहाँ? असम से। असम से? असम से। असम। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। थैंक यू सर। सर मैं एक्चुअली अपनी बीवी के एक आदत से परेशान हो चुका हूँ, जो मैं बदलना चाहता हूँ। आपकी वाइफ आई है साथ में? जी सर। कहाँ है? यही बगल में। बगल में। सर मुझे जल्दी सोने की आदत है, मैं 10 बजे तक सो जाता हूँ। अच्छा जी। सर ये रात को 2 बजे तक मोबाइल निकाल के गेम खेलती है सर। ये रात को ना बीच बीच में आपकी अपनी गेम्स खत्म हो चुकी है। ये हर घर की समस्या है, मोबाइल पे सब लगे रहते हैं। नहीं सर वो खेलती है लेकिन हेडफोन लगा के ना बीच बीच में, अरे बंदा या मारो 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 कमांडो मारो मारो ऐसा करता है। तो मैं तो सोया रहता हूँ ना, बीच बीच में मुझे उठना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, जो आदमी सो रहा होता ना, अगर बगल में कोई आवाज है वो सपने में आने लगती है बाद में। तो आपके सपने में आने लगता होगा ना कमांडो? हाँ कमांडो, बंदूक लेके आओ मारो। तो मैं परेशान हो जाता हूँ उसकी वजह से। तो सर मैं ये आदत तो छुड़ा नहीं पा रहा हूँ सर, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप कोशिश करके देखिए। आप 24 घंटे साथ रहते हैं, आपकी नहीं सुनती, मेरी कहाँ से सुन लेंगी वो? या तो आप भी खेलना शुरू कर दो, ये देखो इसका एक ही हल है। कोशिश की थी मैडम, ये सही कह रहे भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते एवरीवन, मैं आशा हूँ, मैं असम से आई हूँ। वो तो पता ही है, साथ में ही आए। एक्चुअली क्या है कि ये मेरे से परेशान नहीं है, मैं इनसे परेशान हूँ। अच्छा, मुझे भी। क्योंकि हम लोगों की लव मैरिज हुई थी। अच्छा, तो शादी से पहले ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज रहते थे। अच्छा, सामान वगैरह अपने जहाँ से रखते थे वहाँ से। पहले नहीं, शादी की शुरुआत में। शादी से पहले भी और शादी की शुरुआत, मतलब एक साल तक लगभग अपने सामान वगैरह, जैसे टावल हो गया जगह पे रखेंगे, सॉक्स वगैरह जगह पे रखेंगे। अब क्या करते? धीरे धीरे, बिल्कुल नहीं, ये खुद जगह पे नहीं रहते। तो उस वजह से थोड़ा मुझे दिन को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ हूँ ना, घर पे रहती हूँ, तो इधर उधर घर का किचन, और इनको खाना बनाने का शौक है, किचन में खाना वाना बना लेंगे और सब मेसी, सब इधर से पड़ा हुआ बर्तन, उधर पड़ा हुआ, कुछ ध्यान नहीं देते हैं बस। बर्तन खाना क्यों नहीं मांजते भाई साहब आप? मुझे बनाना आता है, धोना नहीं आता। अच्छा जी। मैंने बहुत सिखाया भी इनको, पर ये सुनते ही नहीं है। पहले सुन लेते थे शादी से पहले, कुछ भी बोलूँ मैं, ये कर दो वो कर दो, कर भी देते थे। बर्तन भी धोया है इन्होंने पहले, शादी से पहले या शादी के एक साल तक, अब नहीं करते। तो अच्छा, टाइम पे सो जाते हैं, खाना भी बना देते हैं, और क्या चाहती हैं आप, क्या करें? वही तो मैं चाहती हूँ कि टाइम पे क्यों सोते हैं ये? 10 बजे क्यों? पर आप दोनों बड़े प्यारे हो, बड़ी मजेदार बातें करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना? जी पिंकी टिपू। हेलो। व्हाट डिड ही कॉल? हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता जैन है और मैं बोरीवली से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। तो सर कमियों की बात तो मैं क्या बताऊँ, मेरी तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन भाई साहब के साथ में ही है। हाँ, क्या हाल महाराज? कैसे हैं आप? तो सर ऐसा है कि हमारी शादी की जब बात चल रही थी तो उनकी तरफ से हाँ थी 50%, मुझे हाँ करना बाकी था। अच्छा जी, 50% क्या मतलब, कैसे? तो मैं इंदौर रहती थी तो वहाँ से मैं आई उनको सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा जी। दिन भर मैंने उनको सिलेक्ट करने की सेल लगी हुई थी उधर। मेरी हाँ बाकी थी 50%, उनकी तरफ से हाँ थी। अच्छा, वो मुझे पसंद कर चुके थे, मेरा हाँ बोलना बाकी था।
तो मैं यहाँ पे फोटो देख के पसंद किया था आपको? नहीं, मुझे देख के पसंद किया था। मिलने के बाद? अच्छा जी, उनने मुझे फर्स्ट साइट पे ही पसंद कर लिया। इतने भरे पड़े थे मतलब। तो मैं अपनी फैमिली के साथ इंदौर से मुंबई आई थी देखने के लिए। अच्छा जी। ऑब्जर्व करने के, घर कैसा है, लड़का कैसा है। तो वो पूरा दिन मुझे इम्प्रेस करने के लिए पूरा दिन घर में सारा काम कर रहे हैं, पर खाना सबको दे रहे हैं। फिर आते जाते घर में मुझे इशारे कर रहे हैं, हैं? आंख मार रहे हैं। आंख मार रहे थे? मैंने सोचा, मैंने सोचा कि इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा ना, रोमांटिक काम भी करेगा, शादी के बाद मैं एकदम आराम करूंगी, ऑर्डर दूंगी। फिर क्या हुआ सेकंड हाफ में, इंटरवल के बाद क्या हुआ? सर वो तो पूछिए ही मत आप, क्या हुआ? मिलोर्ड, मैं चाहता हूँ कि वर पक्ष की तरफ से भी जो पति है वो सफाई पेश करें। वो थी ने जिस लड़के को देख के हाँ बोली थी, वो मैं आज तक इनमें ढूंढ रही हूँ। वो नहीं मिलेगा अब। भाई साहब ये क्यों करते हैं आप? पहले दिन तो आप ऐसी फैसिलिटीज दे देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन से आप बदल जाते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट भी करती है कि जैसा पहले था वैसा क्यों नहीं। ये सही बोल रही मैडम जो किया? मैडम तो सही बोल रही है, मैंने काफी इम्प्रेस करने के लिए काफी तकाजे लगाए थे। वो बोली पहले दिन मिलते आंख भी मार रहे थे, तो वो तो कॉलेज टाइम से तो आदत थी, इसलिए आंख मार दी। तो वो इम्प्रेस होगी तो मेरी गलती नहीं ना, मैंने कभी प्रॉमिस किया मैं सब काम करूंगा या मैं सब कुछ देखूंगा, वो तो उन्होंने गलत फहमी में ले लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। भाई साहब बिल्कुल सच बोल रहे हैं, मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं सर। आई एम प्रकाश मेहता फ्रॉम रतलाम MP। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है मेहता साहब। शादी के पहले मैं अपनी वाइफ से देर रात तक बात करता रहता था। बस बात तो रतलाम MP में SSS फेमस है। क्या मतलब? सेव, साड़ी और सोना। जब सोना मतलब गोल्ड? गोल्ड। अच्छा जी। यही कंफ्यूजन मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा जी। जब शादी होने के बाद घर पे आए। अच्छा, ये शो हमारा ना सिर्फ 1.5 घंटे का ही है। नहीं, मैंने वैसे ही बताया। कहीं पे घूमने जाते हैं या हनीमून पे भी गए तो ये जल्दी सो जाते थे। एक बार हम रतलाम के लिए जा रहे थे मुंबई से, तो 15-20 मिनट पहले मैंने बोला कि रतलाम आने वाला है, तो बोले सो जाओ, तो इन्होंने मुझे भी सुला दिया। तो रतलाम की जगह हम इंदौर साइड तक निकल गए। तो ये हैबिट में इनकी चेंज नहीं कर पाए सर। समस्या तो गंभीर है। तो आप जागते रहते हैं, वो सो जाती हैं। हाँ, आप क्या करते हैं जाग के? मुझे मेहता साहब आप बड़े प्यारे हैं, आप बोलते बड़ा अच्छा है। तो आप अपनी मर्जी से कोई और बिजनेस कर रहे हैं, नहीं तो आप कोई प्रवचन भी दे सकते थे आप। उसमें मिठास बहुत है। तो अभी मैडम आई है साथ में? जी सर। कहाँ है? अच्छा, नमस्ते मैडम, जाग रही हैं आप? अरे मुझे हेलो कपिल सर। हेलो मैम, नमस्ते। आई एम रेणुका मेहता। हेलो जी। ये रतलाम से, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मतलब इन्होंने कंफ्यूजन इन्होंने किया। आई थॉट ही सेड स्लीपिंग माइट बी, तो मैंने बोल दिया ठीक है, इसलिए सोना वहाँ पे रतलाम में फेमस है, तो मैंने बोला ठीक है, ओके फाइन, मैं टीचिंग भी करती हूँ और स्लीपिंग आई कैन नॉट चेंज माई सर। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत। माइक दे दीजिए, आप सो जाइए थोड़ी देर को। सर अभी बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए हो जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे शो पे आए और इतना मजा आया आप सब लोगों के साथ, और ढेर सारी शुभकामनाएं।